गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ ऋषभ राणा। आप देख रहे हैं ऋषभ राणा यूके, इन पहाड़ की तीन वादियों से। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है ऋषभ राणा और मैं आपको लाइफ स्टाइल ब्लॉग वीडियो, सिंगिंग के वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा गाँव है रुपटक जनपद के, छोटा सा गाँव है, उसका नाम है जालतला। तो जिसकी खूबसूरत वादियाँ हैं देखा। आज मैं आ रखा हूँ फिर से बैलों के साथ। इस लॉकडाउन में केवल बैलों के चराने के अलावा कोई काम नहीं है मुझे, तो आज वहाँ पे आ रखे हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मम्मी और दीदी लोग आ रखे हैं खेतों में काम करना, जिसको कहते हैं निराई करना खेतों की। और ऊपर ऊपर पे हैं भाभी जी लोग, जो वहाँ पे अपने वो खेतों की निराई कर रहे हैं। तो मैंने आज देर में ब्लॉग स्टार्ट किया, जो जिस समय मैंने स्टार्ट किया वो समय है मेरे बैलों को घर ले जाने का, क्योंकि 7 o'clock को मैं ला गया था और 10 बज चुके हैं। अब इनको घर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको पहाड़ की हसीन वादियाँ। और ये परसों वाली लोकेशन जहाँ मैंने आपको दिखाया था कुंजू वगैरह पसार आदि। चलो घर के लिए चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो ये हमारा तो भेड़ है, इसके गात पूरे जो मैंने परसों कहा था कूरे वो लग चुके हैं, क्योंकि इस पर ऊन पे ये जल्दी चिपक जाती है, तो उसके पूरे गात पे लग चुके हैं। इनके गात पे उतना नहीं लगा है। गात को कहते हैं शरील, जो गढ़वाली में कहते हैं, गढ़वाली में हम कहते हैं गात। तो कुछ गढ़वाली की भाषा में आपको सिखाता जाऊंगा, जो भी मुझे कहने का अवसर मिलेगा मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। और ये है हमारा प्यारा सा बुरयान, जिस पर लगते हैं हिसूल जून के महीने। बुरयान को कहते हैं झाड़ी और बुरयान इसको कहते हैं गढ़वाली में। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड गढ़वाली के कुछ शब्द मैं आपको सिखाता जाऊँगा, और आप भी मुझे ढेर सारा सपोर्ट करते रहना। और कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ अपने गांव के ब्यूटीफुल मंदिर रुच महादेव में, जिसका ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा घर से रुच महादेव तक का सफ़र। तो मैं वो बैलों को ले जाता हूँ घर और मिलता हूँ आपसे सीधे घर में। तो आप देख सकते हो आपकी उनको कहते हैं, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, उनका नाम मैं बाद में बताऊँगा। बहुत देखो कितने सुंदर है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने वहाँ देखे तो मैंने सीधे मोबाइल पकड़ा, ऊपर चले गए वो, शायद इनको क्या कहते हैं तुतरलो, शायद ऐसे कुछ नाम है इनका गढ़वाली में। बहुत ही सुंदर होते हैं, जितना सुंदर होते हैं ना उतने ही जहरीले भी होते हैं। तो कल के बाद मुझे कुछ शूट करने को नहीं मिला, बैलों के साथ से मैं घर में आया तो मुझे स्कूल का काम था, तो मैं उसी में व्यस्त था, तो मुझे कल कुछ शूट करने को नहीं मिला। आज का मौसम आप देख सकते हो, कोहरा तो लगा है चारों तरफ पर मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। अब शायद थोड़ी देर देख सकते हो आपकी, आजकल मौसम बहुत हरा भरा हो गया है, यहाँ पे जो फसलें हैं काफ़ी अच्छी हो रही हैं और काफ़ी जल्दी इस पर जो अनाज है वो भी उग जाएगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने चुकाऊ छत में, देख सकते हो आप। और हल्की हल्की बारिश तो लगी रही है, पर यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। फिर वहाँ ऊपर पे हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है, मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि फ़ोन तो ख़राब ही हो जाएगा अगर फ़ोन भेजेगा तो। तो अपने ऊपर वाले पुराने कमरे में तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड हुआ नहीं। अब हम जा रहे हैं रुच महादेव की ओर, तो ये ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल ऋषभ राणा यूके को ढेर सारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।